फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम इसमें बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। लास्ट टाइम हमने बात करी थी आयंस कैसे बनते हैं, आयंस के टाइप्स कितने होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, फॉर्मूला कैसे हम बना सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसा बनेगा, ये सब हमने इसमें बताया था। अब इसमें हम ये देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल चेंज को रिपोर्ट करती है। हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बना, तो ये केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस जैसे कार्बन, कार्बन को हमने जलाया, कार्बन को जलाना एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो तो हो गया रिएक्टेंट, क्या लिया था वो तो हो गया रिएक्टेंट, और क्या बना वो हो गया प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन एक एक्चुअल केमिकल चेंज को रिपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि जो रिएक्शन पॉसिबल ना हो और उसको हम पेपर पर मेंशन करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। एक एक्चुअल चेंज को उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फ्यूल का जलना वो केमिकल रिएक्शन है। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन CO2 बन गया, प्लस H2 बन गया, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला की हेल्प से, सिंबल की हेल्प से लिखना, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा CO। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल होता है, ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2, तो C+O2 क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। तो यह होती है केमिकल इक्वेशन। तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, केमिकल रिएक्शन क्या है? ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, जिसमें एक प्रोसेस, एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने बताया ना आपको एग्जांपल, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से, फॉर्मूलाज की हेल्प से रिपोर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सब एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। जैसे आपको पता लग रहा होगा कि लिया क्या हमने, हमने लिया है सोडियम, सोडियम का सिंबल आपको पता है, सोडियम का सिंबल होता है N, ऑक्सीजन का सिंबल दैट इज ऑक्सीजन गैस का सिंबल दैट इज O2, और क्या बनाता है सोडियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला पता आपको, सोडियम ऑक्साइड का Na2 होता है, नहीं तो लास्ट टाइम जो हमने बताया था कि कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं सोडियम ऑक्साइड कैसे बन सकता है। सोडियम ऑक्साइड इजिली बन सकता है Na+ और ऑक्सीजन -2, यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, क्या फॉर्मूला बनेगा दैट इज Na2O. तो यहाँ पर सोडियम क्या हो गया, सोडियम यहाँ पर हो गया दैट इज रिएक्टेंट, ऑक्सीजन क्या हो गया दैट इज रिएक्टेंट, एंड Na2O क्या हो गया दैट इज प्रोडक्ट। तो ये केमिकल इक्वेशन को रिपोर्ट करते हैं। आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है, इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं कि ये सोडियम क्या है, सॉलिड है, जी बता रहा है गैसीय स्टेज को, अगेन एस बता रहा है सॉलिड। तो ये ब्रैकेट में हम बताते हैं कि ये उनकी फिजिकल स्टेट क्या क्या है, ये फर्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं, सोडियम यहाँ पर क्या है, सोडियम यहाँ पर रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट में आएगा वो रिएक्टेंट आएगा, जो एरो के बाद जो आएगा वो प्रोडक्ट होगा। सोडियम यहाँ पर रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट है, एंड Na2O यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है। इसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। तो नेट केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट में रिएक्टेंट्स आएगा और राइट में प्रोडक्ट्स आएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। और एग्जांपल देखते हैं, आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस फेरिक सल्फेट। आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, आयरन का सिंबल पता आपको Fe, कॉपर सल्फेट, कॉपर का होता है CuSO4 का होता है, सल्फेट होता है SO4। आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, और क्या बनाता है फेरिक सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट हो गया। तो Fe CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट मतलब Fe,
जब प्लस टू में होता है तो उसको बोलते हैं फेन, FeSO4, और क्या बनाएगा साथ में Cl। ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, कौन कौन, Fe एंड CsO4 रिएक्टेंट हो गए, FeSO4 और Cl क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो आप ये इसको ऐसे रिएक्ट करेंगे, Fe आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट एंड गिव्स फेरस सल्फेट एंड कॉपर। अगेन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसकी फिजिकल स्टेट को, आयरन सॉलिड स्टेट है। AQ किसको बताता है, AQ एक्वस सॉल्यूशन, जब वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं किसी सब्सटेंस का, जैसे कॉपर सल्फेट उसको वाटर में डिजोल्व किया और उसको यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है AQ। AQ मतलब एक्वस। अगेन FeSO4 किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में बनेगा, ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक का सिंबल आपको पता है, ZN। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बना सकते हैं ZN। ZN का क्या होता है, ZN दैट इज प्लस टू होता है, और Cl कितना होता है, Cl पता आपको माइनस वन होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ टू है, यहाँ पर वन है, क्या बनेगा, दैट इज ZN हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस करता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ऑब्वियस है जिंक एंड HCl क्या हुआ, जिंक और HCl यहाँ पर रिएक्टेंट हुए, जिंक क्लोराइड और H2 क्या हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ। अगेन ये सॉलिड स्टेट बता रहा है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, और ये कौन से फेज में, ये गैसेस फेज में। तो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट में रिएक्टेंट रहेगा, राइट में प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ नेम नहीं लिखना अपने, वो नेम के बजाय यहाँ पर हम इसका सिंबल या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सोडियम है तो उसका सिंबल NaO यूज करेंगे, जिंक है तो ZN यूज करेंगे, कॉपर है तो Cl यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना लिखकर उसका जो फॉर्मूला है HCl वो हम इसमें यूज करेंगे। तो ये अपने पास होता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन।